हेलो फ्रेंड्स, रिवर्ट हेयर क्लिनिक देहरादून यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर अमित सिंह हूं। मैं एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूं और पिछले 8 साल से हेयर ट्रांसप्लांट और बाकी हेयर लॉस ट्रीटमेंट करता हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको विग्स और हेयर ट्रांसप्लांट का डिफरेंस, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। देखिए, जिन लोगों के बाल झड़ चुके हैं और जो लोग विग्स यूज करना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरे पास कुछ बेसिक एडवाइस है जो मैं उनको देना चाहूँगा। सबसे पहले तो अगर आपकी एज 20s या 30s में है, अगर आप 20-22 साल के हैं या 30s में भी हैं, तो विग यूज करना आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है। विग नकली बाल होते हैं। विग एक तरह का पैच होता है जिसको आपके सर पे या तो गम से चिपकाया जाता है या फिर जो उनको क्लिप्स के जो हेल्प से जो प्री एग्जिस्टिंग बाल हैं उनमें फंसा दिया जाता है। अगर आप यंग एज में विग यूज करना शुरू कर देंगे तो एक तो जो आपके बचे हुए बाल हैं सर पे, विग यूज करने से वो बाल बहुत जल्दी गिर जाते हैं। कुछ लोगों में देखा गया है कि 6-7 महीने में ही सब्सटेंशियल हेयर लॉस हो जाता है। तो अगर आपको अपने बाकी बालों की लाइफ को बढ़ाना है तो विग यूज करने से बचें। दूसरा जो नुकसान होता है विग यूज करने में, वो ये होता है कि विग में लगातार खर्चा होता है उसका। हर महीने 1.5 महीने में उसकी सर्विस करानी होती है, जिसमें उसके क्लिप चेंज होते हैं या गम चेंज कराना पड़ता है। 6 महीने से लेके 1 साल के बीच में पूरा विग चेंज करना होता है और इसमें लगातार खर्चा होता है। तीसरा जो सबसे बड़ा नुकसान है विग का, कि विग एक तरह की टोपी है जिसको आप 24 घंटे आपको बांधना होता है, मतलब बांधना, इसको चिपकाया जाता है। तो उसको विग को लगातार यूज करने के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन चाहिए। आप हर आदमी लगातार 24 घंटे विग को नहीं पहन सकता। ज़्यादातर जो हमारे जो पेशेंट्स या क्लाइंट्स जो हमारे पास हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आते हैं, जो पहले विग भी यूज कर चुके होते हैं, ज़्यादातर जो ऑन एन एवरेज 6 महीने से 1 साल के बीच में लोग विग यूज करने से इतना परेशान हो जाते हैं कि वो ट्रांसप्लांट में आते हैं। तो ट्रांसप्लांट आज की तारीख में विग यूज करने की कंपैरिजन में एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि सबसे पहले तो ये बता दें कि हेयर ट्रांसप्लांट वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। असली बाल होते हैं, जो बाल उगते भी हैं उनको रेगुलर हेयर ड्रेसर नाई से कटाना पड़ता है। उनकी कोई स्पेशल मेंटेनेंस नहीं है। जो रेगुलर शैम्पू आप बाकी बालों में लगा रहे हैं वही उन बालों में लगाते हैं और ये परमानेंट बाल होते हैं। प्लस जो प्री एग्जिस्टिंग बाल हैं, जो आपके पहले से बाल हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, उन बालों का गिरना काफी हद तक कम हो जाता है और उनकी लाइफ भी बढ़ जाती है। तो आपको डबल एडवांटेज होता है। ट्रांसप्लांट के बाद जो रुएं, जो छोटे, जो थिनिंग हो गई है बालों में, ऐसा देखा गया है कि उन बालों में भी ग्रोथ आ जाती है। तो एज अ हेयर एक्सपर्ट मैं ये सलाह हर उस इंसान को देना चाहूंगा जो हेयर लॉस से जूझ रहा है और सब्सटेंशियल हेयर लॉस हो गया है। तो विग अगर आप यूज करने की सोच रहे हैं तो ये सोच के करें कि आप उसको लंबे टाइम तक यूज नहीं कर पाएंगे। आपके जो बाकी प्री एग्जिस्टिंग जो पहले से बाल अभी बचे हुए हैं वो बहुत जल्दी झड़ जाएंगे। और विग आप कितना भी महंगा विग यूज कर लेंगे, वो एक नकली बाल होते हैं जो ज्यादातर लोग, 90-95% लोग जो आपसे 5 मिनट बात करते हैं वो उसकी नकलीपन को पहचान लेते हैं। वो आप विग भले ही आप अपने कॉन्फिडेंस के लिए पहन रहे हैं, बट ओवरऑल जो विग जिस पर्पस के लिए आप पहन रहे हैं वो ज्यादातर पर्पस सॉल्व नहीं होते हैं। आपको हेयर लॉस से रिलेटेड या हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड और कोई जानकारी अगर हमारे से चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन भी दबा दें और इससे रिलेटेड अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आपके मन में है
तो आप हमारे व्हाट्सएप पे हमें मैसेज भी दे सकते हैं या फिर हमें कॉल भी कर सकते हैं। मैं इसी चैनल पे हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता रहूंगा, तो काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दिस इज डॉक्टर अमित सिंह साइनिंग ऑफ।